मैं जयपुर शहर आप सभी शहरवासियों को सादर नमन करता हूँ। मेरा जन्म 1727 में हुआ। मैं भारत देश का स्थापत्य शिल्प और वास्तुकला के नज़रिए से पहला नियोजित शहर हूँ। मेरे जीवन में महाराज सवाई जयसिंह की कल्पना, विद्याधर भट्टाचार्य की रचना और सैकड़ों शहरवासियों के श्रम का योगदान रहा है। सन 1876 में वेल्स के राजकुमार एडवर्ड सेवंथ के स्वागत ने मुझे गुलाबी रंग में रंग दिया गया और मुझे बहुचर्चित गुलाबी नगर नाम की पहचान मिली। पर आज ऐसा महसूस होता है कि वे दिन जैसे मेरे किशोर अवस्था के दिन थे। भारत की आज़ादी और राजस्थान राज्य के पुनः नियोजन के बाद जैसे मैं व्यस्क हो गया और मुझे राजस्थान की राजधानी बनाया गया। राजधानी बनने पर मुझे जितना सम्मान मिला उतनी ही मुझ पर जिम्मेदारियां भी आ गईं। और ये जिम्मेदारियां सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे अंदर बसने वाले हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। 11,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल में तकरीबन 40,00,000 की जनसंख्या का निवास है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ अधूरा सा मालूम पड़ता है। आज भी मेरे कई हिस्से गंदे और भद्दे हैं जहाँ आमजन कचरा फेंकते हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है और कचरे के साथ मिलकर डेंगू मलेरिया जैसी अनेकों बीमारियों का कारण बनता है। मेरे यहाँ गरीब आसमान के नीचे सोने को मजबूर है तो अमीर आसमान के नीचे गाड़ी खड़ी करने को। कोई शराब पीकर सड़क पर पड़ा होता है तो कोई शराब पीकर सड़क पर गाड़ी उड़ा रहा होता है। ये ही नहीं, 21वीं सदी में भी मूर्ख खुले में पेशाब करता है तो समझदार खुले में धूम्रपान। युवा दीवारों को छात्र संघ के उम्मीदवारों के चेहरों से भर देता है। पर आज जनता और उनके प्रतिनिधि सब ने मुझे एक और जिम्मेदारी दी है और वो है मुझे स्मार्ट सिटी बनाना। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों की मदद के बिना मैं कैसे स्मार्ट बनूं। और तो और, संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनेस्को ने मेरा नाम विश्व धरोहर शहर की सूची में डाला है, जिसका मतलब आप लोगों को मेरा साथ विश्व स्तर पर निभाना है। मेरे यहाँ कुछ अच्छे नागरिक भी बसते हैं, मैंने देखा है स्वास्थ्य के लिए लोगों को एक साथ आते हुए, देश के हक के लिए लड़ते हुए, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाते हुए, ज़रूरतमंद को खाना खिलाते हुए, ठंड में लोगों को गर्म कपड़े पहनाते हुए, और भी कई उदाहरण हैं जो शहर की भावनात्मक संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। फिर भी काफ़ी कुछ बाकी है। आइए जुड़िए रेस्पॉन्सिबिली जयपुर से और मेरा साथ दें मुझे साफ सुंदर और सुरक्षित रखने के लिए। याद रखिए, शहरवासी जिम्मेदार तो शहर स्मार्ट। आपका अपना जयपुर शहर।